सूरह माईदा की आयत नंबर 83, इसका तर्जुमा और तफसीर मुख्तसर आप समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूलि तरा अय्युनहुम तफीज़ु मिनद दमि मिम्मा अरफू मिनल हक़। يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जब ये सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया, यानी कुरान मजीद को जब ये सुनते हैं, तो तुम देखोगे कि उनकी आँखें आंसुओं से उबल पड़ती हैं, इसलिए कि वो हक़ को पहचान गए और कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, पस तू हमें हक के गवाहों के साथ लिख दे। इस आयत की तफसीर मुफस्सिरीन इस अंदाज़ में बयां फरमाते हैं कि जब हबशा की तरफ हिजरत करने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नजाशी के दरबार में जमा थे, और मुशरिकीन मक्का का वफद भी वहाँ मौजूद था, उस वक्त नजाशी ने हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की, क्या आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब में हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र है? हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़ुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के तरफ मंसूब है। फिर सूरह मरियम और सूरह तौहा की चंद आयात तिलावत फरमाई तो नजाशी की आंखों से सेले अश्क रवा हो गया। इसी तरह जब फिर हबशा का वफद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें 70 आदमी थे, और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, तो उसे सुनकर वो लोग भी ज़ारो क़तार रोने लगे। इस आयत में उन वाक़ियात की तरफ इशारा है, उन्हीं सबके मुतालिक फरमाया गया कि जब ये लोग इसको सुनते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, तो तुम देखोगे कि उनकी आँखें आंसुओं से उबल पड़ती हैं, क्योंकि वो हक़ को पहचान गए और वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हमने उनके बरहक होने की शहादत दी, बस तू हमें हक के गवाही देने वालों के साथ लिख दे और हमें उस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल फरमा जो रोज़े क़ियामत तमाम उम्मतों के गवाह होंगे। और ये बात इन्हें इंजील से मालूम हो चुकी थी। इस आयत से मालूम हुआ कि ज़िक्र इलाही के खौफ और रहमत इलाही की उम्मीद में रोना भी इबादत है। बहुत से आशिकाने कुरान कुरान की तिलावत करते हुए झूमते हैं, ये कुरान करीम से लज्जत व सुरूर हासिल होने की वजह से होता है। सुबह की खुशगवार हवा से नरम शाखें हरकत करती हैं और तिलावत करने वाला रहमत इलाही की नसीम से हिलता है। तिलावत कुरान के दो फ़ज़ाइल आप समाअत कर लें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है वो उस पर शाक है, यानी अगर ज़बान में लुकनत है और उसे दिक्कत होती है, उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ़ के साथ अदा करता है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान उसके लिए दो अजर है, उसके लिए डबल अजर है। तिलावत कुरान के वक्त रोने की तरगीब। तिलावत कुरान के वक्त रोना जो है ये मुस्तहब है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र बंदों का तरीक़ा है कि बुलंद मरातिब पर पहुँचने के बावजूद भी उनकी दिली कैफियात ये होती हैं कि जब उनके सामने कलाम इलाही की आयात पढ़ी जाती है तो उन्हें सुनकर वो अल्लाह के खौफ से रोने लगते हैं, जैसे कि
सूरह मरियम की आयत नंबर 58 में बयान हुआ, इसी तरह उनकी एक और कैफियत बयान करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नज़ल अहसन الحديث كتاب متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله। अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी के सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है, इससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम कर जाते हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान गम के साथ नाजिल हुआ था, जब तुम इसे पढ़ो तो रो, और अगर रो ना सको तो रोने की शक्ल बना लो। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान को गम के साथ पढ़ो क्योंकि ये गम के साथ नाजिल हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, जब तुम सूरह सुभान में सजदे की आयत पढ़ो तो सजदा करने में जल्दी ना करो, यहाँ तक कि तुम रो, और अगर तुम में से किसी की आँख ना रोए तो दिल को रोना चाहिए, और तकल्लुफ के साथ रोने का तरीका ये है कि दिल में हुज़ूर व मलाल को हाजिर करें, क्योंकि इससे रोना पैदा होता है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गम जाहिर करने का तरीका ये है कि कुरान के डराने, वादा और अहदो पैमान को याद करें, फिर सोचें कि इसने इसके अहकामात और ममनुआत में कितनी कोताही की है, तो इस तरह वो ज़रूर गमगीन होगा और रोएगा, और अगर गम और रोना जाहिर ना हो, जिस तरह साफ दिल वाले लोग रोते हैं, तो उस गम और रोने के ना पाए जाने पर रोए, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुसीबत है। आगे रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाही वमा जाअना मिनल हक वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फअसाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर और उस हक पर ईमान ना लाएं जो हमारे पास आया, और हम तमा करते हैं कि हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल कर दे, तो अल्लाह ने उनके इस कहने के बदले उन्हें भूभाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और ये नेक लोगों की जजा है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया तो वो दोजख वाले हैं। जब हबशा का वफद इस्लाम से मुशर्रफ होकर वापस गया तो यहूदियों ने उन पर मलामत की, यहूदियों ने उन्हें बुरा भला कहा, उनकी बुराई की, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जब हक वाज़े हो गया तो हम क्यों ईमान न लाते, यानी जब हमने हक को जान लिया और हम पर जाहिर हो गया तो फिर हम क्यों ईमान न लाते, ऐसी हालत में ईमान न लाना काबिले मलामत है, ना कि ईमान लाना, क्योंकि ईमान लाना तो फलाहे दारैन का सबब है, हक को मान लेना ये तो दारैन की फलाह का सबब है। तो इसलिए कई बार हमारे जहनों में भी ऐसी बातें आती हैं समाजी एतबार से जो कि शरीयत के मुखालिफ वो काम होते हैं, तो लिहाजा कभी लोगों की बातों की परवाह ना करें, बल्कि कुरान और अहादीस के फैसले की हमेशा हमें परवाह करनी चाहिए, और उसी पर हमेशा हमें अमल पैरा होना चाहिए। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको कुरान और अहादीस की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह।